हेलो गाइस, दिस इज सुपदा कोटक हियर फ्रॉम बी एडुकेयर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिंगल यूज प्लास्टिक जो इंडिया में बैन हो गया है। लास्ट ईयर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया था जहां पे उन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया है और ये इफेक्टिव होगा 1 जुलाई 2022 से। तो जो आइटम्स सिंगल टाइम में यूज किए जाते हैं और यूज एंड थ्रो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि प्लास्टिक प्लेट्स, कप्स, फ्लैग्स, जो बलून्स में स्टिक्स यूज की जाती है, कुछ ऐसे प्लेट्स जो हो सकते हैं जो वन टाइम यूज किए जाते हैं, नाइव्स जो वन टाइम यूज किए जाते हैं, सिगरेट पैकेट्स, उनको जो है गवर्नमेंट ने बैन कर दिया गया है। अब यहाँ पे बैन करने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि जो ग्लोबली प्लास्टिक जनरेट होता है उसमें से 1/3 प्लास्टिक जो है वो सिंगल यूज प्लास्टिक होता है और इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए 98% जो है इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करके। तो 2019 में 130 मिलियन मेट्रिक टन जो है वो मिला था सिंगल यूज प्लास्टिक का अकेले। ये आइटम्स को बैन करने की सबसे इम्पोर्टेंट रीजन ये बन गया कि प्लास्टिक जब एनवायरनमेंट में रह जाता है तो वो माइक्रो प्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाता है और फूड सोर्सेस में एंटर कर लेता है, और ये फूड सोर्सेस को जब हम कंज्यूम करते हैं तब हमारी बॉडी में चले जाते हैं जो बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। एंड इसको कलेक्ट करना एंड फिर उसका रिसाइकिल करना वो भी एक बहुत बड़ा टास्क बन जाता है। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021 लाए, जहां पे उन्होंने जो है मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट या स्टॉकिंग या डिस्ट्रीब्यूशन प्लास्टिक के कैरियर बैग्स का जिसकी थिकनेस 75 माइक्रॉन से कम है उसको प्रोहिबिट कर दिया है। एंड ऑलरेडी गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू कर दिया है कि जो प्लास्टिक कैरी बैग्स जिसका थिकनेस 125 माइक्रॉन से कम है वो भी प्रोहिबिट किए जाएंगे 31 दिसंबर 2022 से। ये बैन को मॉनिटर करने के लिए सेंट्रल लेवल पे अपॉइंट किया गया है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, और स्टेट लेवल पे अपॉइंट किया गया है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को। जो भी पर्सन ये बैन को वायोलेट करेगा उसको पेनलाइज किया जाएगा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1989 के अंडर, जहां पे उसको जेल हो सकती है 5 साल तक की या उसको पेनल्टी भर सकनी पड़ती है 1 लाख तक की। और बोथ ये बैन से इफेक्ट क्या होगा, सबसे बड़ा लॉस जो है वो इंडस्ट्री को होगा, बिकॉज ये बैन के बाद काफी सारे चैलेंजेस उनके सामने खड़े हो जाएंगे कि जो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी यूज किए जाते हैं उसके अल्टरनेटिव आइटम्स जो है उन्हें उसका अरेंजमेंट करना पड़ेगा जो मैन्युफैक्चरर्स का कॉस्ट इंक्रीज कर देगा। तो ये जो है बैन अप्रोक्सीमेट लॉस ला सकता है 3,000 करोड़ का इंडस्ट्री के सेल्स में। इंटरनेशनल एफर्ट्स भी लिए गए हैं सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने के लिए। तो इसी साल 124 कंट्रीज ने यूनाइटेड नेशन असेंबली में, जिसमें इंडिया भी एक पार्ट मेंबर है, उन्होंने एक रेजोल्यूशन जो है वो ड्रॉ किया जहां पे उन्होंने बोला कि ये रेजोल्यूशन लीगली बाइंडिंग होगा सारी कंट्रीज के ऊपर जो यूनाइटेड नेशंस की मेंबर है, और उनको एफर्ट्स लेने हैं प्लास्टिक पॉल्यूशन को कम करने के लिए। तो एज ऑफ 2019 68 कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने प्लास्टिक बैग को ऑलरेडी बैन कर दिया है। उसके अलावा काफी सारे कंट्रीज ऑलरेडी ऐसे हैं जिन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया है। तो क्या आपको लगता है गवर्नमेंट ने ये करके सही किया, कमेंट्स में लिखिए। दैट्स ऑल, थैंक यू गाइस।